जीरो में जानेंगे कि अगर किसी वेरिएबल की पावर जीरो हो या किसी कांस्टेंट की पावर जो जीरो होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वन होती क्यों, वो वन होती क्यों है। तो इस वीडियो में हम इस चीज को प्रूफ करेंगे कि अगर किसी वेरिएबल की पावर जीरो हो या किसी कांस्टेंट की पावर जीरो होती है तो आप सीधे क्या करते हो, उसकी वैल्यू वन लिखते हो। उसका रीजन क्या है, तो सबसे पहले हम उसका रीजन देखेंगे कि अगर किसी वेरिएबल की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन कैसे आती है। अब अगर मान के चलो मैं किसी सेम वेरिएबल को मान के चलो कोई वेरिएबल वाई है, अगर मैं किसी सेम वेरिएबल से डिवाइड करूं तो मैं इसे किसके इक्वल रख सकता हूं, वन के इक्वल रख सकता हूं, वाई अपॉन वाई मतलब इक्वल टू वन। अब मुझे करना क्या है कि अगर मैं इस वाई को ऊपर ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, वाई की पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब यहां देखना कि वाई और यहाँ पे वाई की पावर क्या, वन, यहाँ पे वाई की पावर माइनस वन, तो वाई वाई है, मतलब कहने का ये है कि सेम बेस है, सेम बेस पर पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे वन प्लस माइनस वन इज इक्वल टू वन। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, वाई की पावर वन माइनस वन इज इक्वल टू वन, वन माइनस वन इसका मतलब क्या, जीरो, वाई की पावर जीरो इज इक्वल टू वन। इसका मतलब हुआ क्या कि अगर किसी वेरिएबल की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन। वो वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब इसी तरीका से हम किसी कांस्टेंट के लिए जानेंगे कि किसी कांस्टेंट की जो पावर अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन क्यों होती है। अगर मैं किसी कांस्टेंट को मान के चलो मैं कोई किसी कांस्टेंट को सेम कांस्टेंट से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, वन मिलेगा। इसी तरीका से अगर मैं इस 5 को डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 5 की पावर यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे क्या है माइनस 1, तो सेम बेस पे पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, मतलब 1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस 1 माइनस इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 मतलब 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीका से अगर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो कांस्टेंट 5 हो, सेम कांस्टेंट ले सकते हो, अगर सेम कांस्टेंट को सेम कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1, फिर उसी प्रोसेस से उसी अगर कांस्टेंट की वैल्यू जो अगर 0 हो रही है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो यहां से एक कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर किसी कांस्टेंट की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू वन होती है, या किसी वेरिएबल की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।